लोग गीता का दूसरा अध्याय पढ़ रहे हैं। चूंकि ये गीता का दूसरा अध्याय यूपीपीसीएस में भी है, ईएलटी में भी है, प्रवक्ता में भी है, और यदि किसी पाठ्यक्रम में ना हो तो भी आपके जीवन से जरूर जुड़ा हुआ है। पहला अध्याय हम लोग पढ़ चुके हैं, 18वां अध्याय पढ़ने का कभी भविष्य में प्लान बनाएंगे। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके लिए गीता आवश्यक होती जाएगी। जब जब भी आप तनावग्रस्त हों, अवसादग्रस्त हों, परेशानी में हो, दिक्कत में हो, तो फिर आपको गीता पढ़नी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ परेशानी, कुछ कष्टों और कुछ मानसिक दबावों का इलाज किसी डॉक्टर के पास ना हो तो वो श्री कृष्ण के पास है, वो गीता के पास होता है। और आज हम इसमें एक वाद की बात करेंगे। लोग कहते हैं ना जातिवाद, परिवारवाद, समाजवाद, तो एक 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 वाद भगवान का भी वाद है जो इसमें वो कहते हैं। श्लोक पढ़ेंगे मैं, 10वां 11वां श्लोक पढ़ूंगा तो आप उसमें एक वाद आज देखेंगे, एक नया वाद जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि आप ये वाद की बात मत करो। सुनिए श्री भगवान उवाच। भगवान कह रहे हैं 10वें श्लोक तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, संजय उवाच तक। संजय ने कहा कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतपो न योत्से इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। फिर कहा संजय ने कहा तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर् मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। इस प्रकार के वचन हंसते हुए ऋषिकेश ने कहे। अब श्री भगवान उवाच, भगवान श्री कृष्ण हैं, ऋषिकेश हैं, अब वो इस 11वें श्लोक में आपसे कहेंगे। तो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं संस्कृत गंगा से गीता का दूसरा अध्याय। संजय उवाच पहला श्लोक था, इन सब का वाचन आप एक बार कर लेंगे तो फिर मैं सीधे आता हूँ आपको 11वें श्लोक में जो आज हम लोगों का वाचन करना पढ़ना है। तो अब देखिए हम लोग श्री भगवान उवाच से शुरू करेंगे। बोले अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः गतासूनगतासूंश्च। ये भगवान के वचन है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जब भी भगवान श्री कृष्ण बोलेंगे तो आपको अपना ध्यान, अपना कंसंट्रेशन थोड़ा सा अच्छे से रखना है। भगवान कहते हैं अर्जुन के वचनों को सुन करके, जब अर्जुन अभी तक बोला, आप पिछले श्लोक पढ़ लीजिएगा, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात यच्छोक मुच्छोषण इंद्रियाणाम अवाप्य भूमा वशपत्नि मृद्धम राज्यम सुराणाम अपिचाधिपत्यम। ये अर्जुन के वचन थे, इन सबको भगवान कृष्ण सुनते हैं और इसके बाद कहते हैं श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा अशोच्यान, द्वितीय का बहुचन बालकान रामान गायकान, अशोच्यान हो जाएगा। शोच का मतलब देखिए, जो सोचने योग्य हो वो है शोच, और जो ना सोचने योग्य है वो है अशोच ना। संस्कृत के शब्द हैं, बड़ा ध्यान से सुनेंगे तो अर्थ आपको समझ में आएगा। पहले गीता में कहे हुए भगवान के वचनों का सामान्य अर्थ देख लीजिए। उन्होंने कहा कि जो शोच वो होते हैं, जैसे मान लो छोटा बच्चा है, साल भर का है, 6 महीने का है, 2 महीने का है, तो उसको दूध पिलाया जाए, ये माँ को सोचना चाहिए। वो बालक सोच है, वो पेशाब कर दिया तो भैया उसकी चड्डी उड्डी बदल दे, गीले में ना सोए, हाँ सूखे में सोए, रोने लगा तो उसको चुप कराओ, ये वो बालक सोच है। अर्थात माँ को उस बालक के विषय में सोचना चाहिए, वो सोच है। पर आप अब 10 साल के हो गए, मतलब 25 साल के, 30 साल के हो गए, फिर भी आपकी मम्मी कहे कि बेटा खाना कैसे बनाता होगा, चिंता करना सामान्य बात है। लेकिन अब आप माँ की दृष्टि से बड़े हो गए, अपने से आप नहा लेते हैं, अपने से खाना बना लेते हैं, अपने से खा लेते हैं, ठोंक ठोंक के सुलाना नहीं पड़ता बच्चों की तरह आपको, आप सो लेते हैं, तो अब आप लगभग अशोच्य हो गए। शोच और अशोच्य पर आप कहना, भगवान ने कहा कि तुम अशोच्यान, जो सोचने योग्य नहीं है, जो विचार करने योग्य नहीं है, जिन पर बहुत विचार नहीं करना चाहिए, उन पर तुम अशोच्यान, ऐसे इसको अलग कर लेंगे तो आपको समझ में आएगा।
अशोच्यान नहलंत करें, फिर नहलंत हो जाएगा तो फिर अन्व शोच, अन्व हाँ ऐसे अलग कर लीजिए। अब फिर यहाँ त्वम है, पहली लाइन में यही तीन शब्द हैं, अशोच्यान अन्व शोच त्वम, त्वम अन्व शोच, तुम बहुत सोच रहे हो जो अशोच्यान है उनके विषय में। तो ये त्वम कौन है? त्वम माने तुम, तो तुम कौन? कौन बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। किससे बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि यार तुम बड़े बुड़बक हो, माने बुड़बक लिखा नहीं है यहाँ, तुम माने तुम, और अशोच्यान जो सोचने योग्य नहीं है उनको अन्व शोचा, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया होगी, अन्व शोचा, तुम अन्व शोचा, तुम बहुत सोच रहे हो, सोचा हमने शोक कर रहे हो, सोचा हमने शोक कर रहे हो, तुम अन्व शोचा किसके विषय में? ना शोक करने योग्य मनुष्यों के विषय में। आप समझ गए यहां पर पहली लाइन में, अन्व शोच्यान ये क्या है? कर्म है, त्वम यह करता है, और अन्व शोचः यह क्रिया है। तो त्वम अशोच्यान अन्व शोचः, तुम ना सोचने योग्य लोगों के विषय में बहुत सोच रहे हो, पहली गलती तो यही है। जो ना शोक करने योग्य हैं, जिन पर कोई शोक नहीं करना चाहिए, जिन लोगों पर, उन पर शोक कर रहे हो। अर्जुन को शोक है ना कि सब मर जाएंगे, हमारे अपने हैं, भीष्म पितामह अपने हैं और द्रोणाचार्य अपने हैं, ये दुर्योधन दुशासन सब अपने हैं, इन पर शोक कर रहा है। तो इसीलिए भगवान ने पहले यही कहा कि अशोच्यान, जिन पर कुछ शोक नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं सोचना चाहिए, जिन पर कष्ट नहीं करना चाहिए, उन पर तुम्हें शोक है। तुम अन्व शोचा, तुम शोक कर रहे हो। किन पर बोले? अशोच्यान, जो शोक करने के योग्य नहीं है। अप्रज्ञावादांश्च भाषसे प्रज्ञावादांश, तो यहाँ भी देखिए त्वम है, त्वम की क्रिया भाष्य हो गई, मध्यम पुरुष का कर्ता है, मध्यम पुरुष की क्रिया हो गई, भाषते भाषेते भाषन्ते, भाषसे भाषेथे भाषध्वे, भाषे भाषावहे भाषा में है। तो त्वम भाषसे, तुम भाषण दे रहे हो, यदि इसका सामान्य अर्थ करें यही होगा, तुम बड़ा भाषणिया रहे हो, भाषण दे रहे हो कि हमारे भाई मर जाएंगे, हमारे गुरुजी मर जाएंगे, हमारे पितामह मर जाएंगे, हमारी यहाँ की स्त्रियाँ जो हैं विधवा हो जाएंगी, हाँ परलोक में कौन पानी देगा हम लोगों को, शोक कर रहे हो। तो प्रज्ञा माने होता है बुद्धि ना, और वाद माने जैसे समाजवाद, धर्मवाद, जातिवाद, परिवारवाद, आजकल जो है आप ये बहुत सुन रहे होंगे, खासकर जब से चुनाव आया, कुछ लोग जातिवाद जातिवाद चिल्ला रहे हैं, कुछ राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। वाद शब्द को पकड़ना तो आपको समझ आएगा, ये वाद है। भगवान कृष्ण ने गीता में वाद की शुरुआत कर दी थी, तो आप ये नहीं कहना कि हर हम समाजवादी पहले से समाजवाद, नहीं, वाद बहुत पहले से था। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण एक वाद की बात करते हैं, वाद की, तो कहें कि देखो ये वाद वाद मत करो, प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम प्रज्ञा की तरह, प्रज्ञावानों की तरह, बुद्धिमानों की तरह जो बुद्धिवाद कर रहे हो, ये तुम्हारे बुद्धि का केवल खेल मात्र है। तो प्रज्ञावादांश च भाषसे, ये बड़ी मजेदार बात है ना, जो जाति पर बहुत फोकस कर रहा हो उसे हम जातिवादी कहते हैं, जातिवाद। जो परिवार पर बहुत फोकस कर रहा हो उसको हम कहते हैं परिवारवाद कर रहा है। जो राष्ट्र पर बहुत फोकस कर रहा हो, ध्यान दे रहा हो या राष्ट्र की बात कर रहा हो, उसको हम राष्ट्रवाद कहते हैं। बोलिए हाँ, सिंपल अर्थ समझिएगा। तो यहाँ भगवान ने कहा कि तुम बड़ी बुद्धि की तरह बात करते हो, माने बुद्धिवाद करते हो, क्या करते हो? प्रज्ञावाद करते हो, पंडितवाद करते हो, बुद्धिवाद करते हो, माने ये सब तुम्हारे बहुत बार होता ना कि आप बुद्धि से सोच कुछ और रहे होते हैं और होता कुछ इस तरह का नहीं है। बोले जो तुम्हारी बुद्धि हावी हो रही है कि नहीं ये मर जाएंगे वो मर जाएंगे, बोले कोई अर्ता मरता नहीं है। और जो शरीर है उसको तुम चाहे जितना वाद करो कि भैया भीष्म पितामह ना मरे थे तुम बचा थोड़ी पाओगे, आज नहीं मरेंगे कल मर जाएंगे, साल भर बाद मर जाएंगे, 5 साल बाद मर जाएंगे, 10 साल बाद मर, भीष्म पितामह को तुम अजर अमर कर लोगे का? द्रोण को, भाई आप द्रोण आपके गुरु हैं, आज तुम नहीं मारोगे कल कोई और मार देगा,
या अपनी मृत्यु से मर जाएंगे। तो बोले ये केवल तुम्हारा बुद्धिवाद मात्र है और कुछ नहीं, प्रज्ञावाद है ये तुम्हारा कि हमारे चच्चा है हमारे दादा का, जो तुम्हारे आज चच्चा है का पता पिछले जन्म में तुम ही उनके चच्चा रहे हो। बोलिए जो आप एक भगवान कुछ चीजें सिखाना चाहते हैं कि जिस शरीर की तुम चिंता कर रहे हो उस शरीर की चिंता तुम्हें करनी ही नहीं चाहिए, वो सब अशोच्य हैं, और जो अशोच्य हैं उन्हीं पर तुम अनुशोचा उन्हीं के विषय में तुम शोक कर रहे हो, जिन पर शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? शरीर का शोक करना नहीं चाहिए, भगवान बताना चाहते हैं शरीर का शोक करना नहीं चाहिए। तुम चाहो भी तो द्रोण को नहीं मार सकते, तुम चाहो भी तो भीष्म को नहीं मार, जो भीष्म की आत्मा है जो द्रोण की आत्मा है वो आत्मा को तुम मार नहीं सकते, और तुम चाहो भी तो शरीर को रोक नहीं सकते। तुम चाहो भी कि भीष्म पितामह को हम अजर अमर रखें, इसीलिए कहते हैं कि प्रज्ञावादांश भाषशे प्रज्ञावादांश, केवल प्रज्ञावाद की बात कर रहे हो। प्रज्ञावाद है ये तुम्हारा, ये बुद्धिवाद है, ये पंडिताईवाद है तुम्हारा कि नहीं फलाना मर जाए, कोई मरता ढरता नहीं है और ना कोई अजर अमर रहता है, शरीर जाता है शरीर एक समय के बाद चला जाएगा, और यह शरीर है कल नहीं रहेगा, और आत्मा पहले भी थी आज भी है और आगे भी रहेगी। तो जिस आत्मा के विषय में तुम्हें शोक करना चाहिए उसके विषय में बातचीत कर नहीं रहे, उसके विषय में कुछ सोच नहीं रहे, और जिस शरीर के विषय में को कुछ शोक करना ही नहीं चाहिए उस शरीर के विषय में तुम सोच रहे हो, शरीर का पतन होना या शरीर का नष्ट होना यह शोक का विषय नहीं है। शोक का विषय तो यह होना चाहिए कि हमारा आत्मिक पतन जब हो रहा हो तो शरीर बचा भी रहे तो भी आप शोक करने योग्य हैं। आत्मिक पतन पर शोक करना चाहिए, ना कि शारीरिक पतन पर। बड़ी बड़ी विचारणीय बात भगवान कृष्ण करें, प्रज्ञावाद की बात कर रहे हैं कि केवल तुम्हें लगा रहा है कि तुम बड़े बुद्धिमान हो, और बुद्धिमान हो नहीं, जिस जगह फोकस करना चाहिए उस जगह पर फोकस कर ही नहीं रहे हो, जहां सोचना चाहिए वहां पर सोच ही नहीं रहे हो। तो हम अशोच्यान अनुशोचा प्रज्ञावादान भाषशे, ये भी देखिए प्रज्ञावाद, प्रज्ञावादान प्रज्ञावादियों की तरह भाषशे बोल रहे हो। कौन? त्वम भाषशे। अब क्यों ऐसा कर रहे हो? बोले कि गत असून, तो इसको आप ऐसे कर लीजिए तो अलग हो जाएगा, गताशून, और गताशून के नाम में आ है तो फिर एक शब्द हो जाएगा क्या, अगताशून। तो दो शब्द कहा भगवान ने, गताशून अगताशून, गताशून और अगताशून। अशु माने प्राण होता है, अशु माने, और अशु शब्द का द्वितीय बहुवचन क्या बनेगा, असून। गुरु का गुरुन, भानु का भानुन, साधु का साधुन, द्वितीय बहुवचन है। बोलो समाजवादी। तो आप ये देखिए गताशून और अगताशून दोनों को कहा कि पंडिता न अनुशोचंती, पंडित न अनुशोचंती, अब तुम अनुशोचा, यहां अनुशोचा है यहां न अनुशोचंती, समझ में आ गया? ये आप बड़ी मजेदार बात है, यहां भी वही क्रिया है, अनुशोचा कौन, तुम जी, और पंडिता न अनुशोचंती। पंडित लोग, बुद्धिमान लोग समझदार, यहां पंडित का मतलब ब्राह्मण नहीं, यहाँ जो लोग देख रहे हो तो वो सपावाद बसपावाद कर रहे हो कि नहीं हर पंडित नहीं सोचते हैं, तो यादवा सोचंती, क्षत्रिया सोचंती, वैश्या सोचंती। तो यहाँ पंडा होता है बुद्धि, और तुम बुद्धिमानों जैसी बात कर रहे हो, और जबकि बुद्धिमान ऐसा सोचते नहीं। ये दोनों बातें अलग अलग हैं, तो आपको समझ में आ जाएगी कैसे। देखिए पंडित कोई जाति नहीं होती, मैं फिर से क्लियर कर दूं, जो भी आदमी बुद्धिमान है वो चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या किसी भी, इंग्लैंड का हो, अमेरिका का हो, भूटान का हो, श्रीलंका का हो, वो पंडित है। यहाँ संस्कृत में पंडित शब्द का अर्थ हुआ पंडा बुद्धिर यस्य सा, अर्थात जिसकी तीव्र बुद्धि हो, अच्छा सोचता हो, अच्छा विचार करता हो, उसको आत्मा परमात्मा जगत ब्रह्म जीव के बारे में ज्ञान हो, वो पंडित है। तो वहाँ कहा कि पंडिता न अनुशोचंती, क्या था ना पहले ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में ब्राह्मण ही ज़्यादा सोचता था, वही सबको बताता था, इसलिए ब्राह्मणों को ही पंडित का पर्यायवाची हो गया। क्यों? चूंकि भाई ब्रह्म का चिंतन ब्राह्मण ही क्या करता था, इसीलिए वो ब्राह्मण था, जो ब्रह्म का चिंतन करे वो ब्राह्मण है, और वही ज़्यादा बुद्धिमान समझदार भाई शिक्षा देने का काम करता था समाज को, इसीलिए लोग उसको पंडित कहने लगे। पर मैं आपको ये क्लियरली बता दूं कि यहाँ किसी जातिवाद की बात
भगवान नहीं करें कि पंडित ऐसा कहते हैं तो तुम क्षत्रिय होके ऐसा करते हो। आजकल तो हम लोगों में मतलब इतना पतन हुआ है, आत्मिक पतन हुआ है, वैचारिक पतन हुआ है, और ये कहने में कोई संकोच नहीं करते कि हम लोगों ने ईश्वर तक का बंटवारा कर दिया है। परशुराम है तो माने ब्राह्मण के भगवान है। भगवानों का बंटवारा कैसे जाति के आधार पर किया है देखिए, और तब आपको अपनी बुद्धि पर तरस आएगा कि यदि परशुराम है, परशुराम के मंदिर कोई गया तो माने ब्राह्मणों को मनाने गया, भगवान राम के मंदिर कोई गया तो बोले कि ये तो क्षत्रियों के भगवान है। अरे यार कभी, और किस प्रकार से लोग बंटवारा किए हैं। कृष्ण के मंदिर में कोई गया तो कहें भैया ये द्वंशियों के भगवान है। सोचो ये भगवान जहाँ होंगे वहाँ से क्या सोच रहे होंगे कि हारा हमने क्या नस्ल बनाई, क्या नस्ल बनाई, कि परशुराम को भी तरस आ रहा होगा ये सोच करके ब्राह्मणों पर कि ससुरा हम तो कभी ये सोचे नहीं होंगे सपने में कि परशुराम की मैं केवल ब्राह्मणों का भगवान हूँ। भगवान राम तो कभी सोचे भी नहीं होंगे कि मैं केवल क्षत्रियों का भगवान हूँ कि ईश्वर हूँ। भगवान कृष्ण तो कभी सपने में ये सोचे नहीं होंगे कि हारा हम समाजवादियों के भगवान। उनको सपने में आने लगे कि भगवान कृष्ण बोले कि तुम जीत रहे हो। तो मैं ये कह दूं कि आप जाति के आधार पर, गौतम बुद्ध को लोगों ने कहा कि भाई ये बसपाई भगवान है, बौद्ध हैं बसपाई भगवान है, तो फिर मुझे लगता है कि ये प्रज्ञावाद है, यही प्रज्ञावाद है। तुम बुद्धिमान बनते हो लेकिन बुद्धिमान हो नहीं। बुद्धिमान बनना और बुद्धिमान होना ये दोनों अलग बातें, भगवान कृष्ण की बातें आपसे कह रहा हूँ। एक बार विचार करिएगा, चाहे आप सपाई हो, भाजपाई हो, बसपाई हो, कोई पाई हो, सही बात यह है कि आप किसी पाई में नहीं हो। कोई भी व्यक्ति जिस ईश्वर की आप संतान हैं, जहाँ आप पैदा हुए हैं, उसको भी आप डिवाइड कर रहे हैं कि नहीं शंकर भगवान हमारे भगवान। हमें लगता है कुछ दिन बाद यहाँ तक भी आप सुने होंगे लोग हनुमान जी कहा कि भाई हनुमान जी ये जो है दलित हैं। तो मतलब अब आपकी इस बुद्धि को, आपकी इस विचार को, आपकी सोच को मैं क्या कहूँ, जहाँ दलित कार्ड में आप हनुमान जी को भी शामिल कर लेते हैं, जहाँ ब्राह्मण कार्ड खेलने के लिए आप परशुराम का मंदिर बनवाने लगते हैं, जहाँ आप अपने जीतने हारने की बात आने पर राम मंदिर की बात करने लगते हैं, जहाँ आप अपने पार्टी को और अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए आप गौतम बुद्ध की बात करने लगते हों, तो मुझे लगता है कि ईश्वर आपकी बुद्धि को चर लिया है। मतलब ये बौद्धिक का ये बुद्धि का सबसे घटिया पतन है, सबसे निकृष्ट पतन है। इससे ज़्यादा पतन बुद्धि स्तर का अब शायद नहीं हो सकता। और फिर मुझे लगता है कि पढ़े लिखे सब एक बराबर, बहुत सारे पढ़े लिखे शिक्षकों को भी मैं देखता हूँ जिन पर समाज की जिम्मेवारी है, जिनको चाणक्य बनकर के समाज का दिशा निर्देशन करना चाहिए अपने चंद्रगुप्तों का, वो भी इतने लल्लू लाल की तरह बात करते हैं। तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पढ़ने और ना पढ़ने और छेरी चराने वाले में कोई अंतर नहीं। कम से कम छेरी चराने वाला, बकरी चराने वाला वो तो मूर्ख है, ये है। यदि वो पिए पाए, यदि वो गलत काम करे, वो गलत बोले, वो गाली दे, वो जातिवाद की बात करे, वो धर्मवाद की बात करे, बात समझ में आती है कि चलो नहीं पढ़ा है, अनपढ़ है, गंवार है, बेवकूफ़ है। पर उसी प्रकार की बात अब सब ग्रुप बने हैं, देख करके मुझे तरस आता है। ब्राह्मणों का ग्रुप अलग है, यादवों का वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं, पटेल पटेल बनाए हैं, कुर्मी जय पटेल, जय वो जय समाजवाद, जय ब्राह्मणवाद, जय क्षत्रियवाद, पाल सम्मेलन, ब्राह्मण सम्मेलन, क्षत्रिय सम्मेलन, अब मतलब कुछ दिन बाद ब्राह्मणों में ना तिवारी सम्मेलन, पांडे सम्मेलन, मिश्र सम्मेलन। अब मतलब इतना इतना पतन होगा समाज का इन दिनों में सोच के। खैर मैं प्रज्ञावाद की बात कर रहा था। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि तुम बुद्धिमान समझते भरा हो अपने, क्योंकि मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, ये हो जाएगा, फिर वर्ण संकर पैदा होने लगेंगे, फिर स्त्रियाँ जो है पतित हो जाएंगी, सारे लोग मर जाएंगे। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर वाद को पकड़ते हैं, मैं फिर से वाद को पकड़ता हूँ, जातिवाद हो या राष्ट्र, सब खतरनाक है, सारी चीज़ें खतरनाक है। जितना जातिवाद खतरनाक है उतना ही राष्ट्रवाद भी आपके लिए खतरनाक है। बड़ी अच्छी बात है कि भाई आप एक मानवतावाद करो, मनुष्यतावाद को करो, किसी में जहर बोने की बात आप कर रहे हो, जातियों में बांट रहे हो, धर्मों में बांट रहे हो, इस प्रकार की चीज़ें मुझे नहीं लगता कि ये आपके लिए बहुत उपयोगी है। अच्छा है मुट्ठी भर लोग, कुछ ही लोग भगवान कृष्ण की बातें सुनिए, शायद आपको कुछ समझ में आए। प्रज्ञावादांश भाषसे, तुम प्रज्ञावादियों की तरह बोल रहे हो, और जो गताशून प्रज्ञावादियों का, प्रज्ञावादी जो होता है सचमुच वो क्या करता है, भगवान ने कहा कि जो गताशून जिनका असून माने प्राण चला गया, और जो अगताशून जिनका प्राण नहीं गया, जो प्रज्ञावादी माने जो पंडितवादी होगा, बुद्धिमान होगा, वो ना अनुशोचन्ति दोनों पर,
वो दोनों के लिए नहीं सोचता है, यही प्रज्ञावाद है। अच्छा अर्जुन क्या कर रहा है? अर्जुन जी जो लोग अभी जीवित हैं अगतासून हैं, जैसे भीष्म पितामह अगतासून हैं, प्राण नहीं गया अभी उनका, द्रोणाचार्य भी अगतासून हैं, कौरों की भाई दुर्योधन दुशासन इत्यादि सब अगतासून हैं, पांडव पक्ष में भी युधिष्ठिर भीम अर्जुन सब अगतासून हैं, प्राण नहीं गया है, लेकिन अभी चिंता है कि यार हम लड़ाई लड़ेंगे तो हमारे भीष्म पितामह मर जाएंगे, गतासून हो जाएंगे। तो बोले कि जो अप्रज्ञावाद की तरह बोलने वाले तुम प्रज्ञा ही नहीं समझते, जो प्रज्ञावान होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो आत्मा को समझेगा, जो ब्रह्म को समझेगा, जो जगत को समझेगा, जो सृष्टि की अनित्यता और नित्यता को समझेगा, वो यह भी समझेगा कि यह शरीर है, आज नष्ट होगा, कल रहेगा, परसों नहीं रहेगा, हमेशा के लिए अजर अमर नहीं है। आज आप जवान हैं, कल बूढ़े होंगे, आज आप बच्चे हैं, कल जवान होंगे, आज आपके बाल काले होंगे, कल सफ़ेद होंगे, ये अनित्य चीज़ें हैं। इसलिए मेरे बाल सफ़ेद हो गए थे, हाय हाय रे मेरे बाल झड़ गए, हाय रे मेरे बालों, फिर से उग आओ सालों, क्यों चले गए हो भालों। तो अब लोग बाले की चिंता करने लगे, लोग उसमें मार पैसा, कौन विग खरीद रहा है, कौन बाले की, कौन शैम्पू लगाएं, कौन तेल लगाएं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं ये प्रज्ञावाद है, तुम बाल बचा नहीं सकते, अभी बच जाएंगे, कल पक जाएंगे, परसों झड़ जाएंगे, चार साल बाद झड़ जाएंगे, पाँच साल बाद झड़ जाएंगे, तुम चाहे जितना मंजन करो, चार टाइम मंजन करो, एक समय आएगा दांत झड़ जाएंगे, तुम चाहे जितना क्रीम लगाओ, एक समय ऐसा आएगा तुम झुर्री रोक नहीं सकता, चाहे जितना लोग कहें कि ये वाली क्रीम लगाओ हमेशा जवान बने रहोगे, एकदम झूठ, ये अनित्य है। यही प्रज्ञावाद है, ऐसी कोई क्रीम आज तक बनी ही नहीं, नहीं तो जितना लोग इतना पैसे में सोने वाले, सोने में रहने वाले हमेशा जवान बने रहते हैं, क्या किसी पैसे की कमी थी क्या? लता मंगेशकर को आपने रोक लिया जाने से, क्या बचा लेते? इतनी बड़ी पार्टी है, उनकी सरकार है, अपने अटल बिहारी को बचा लेते, कहे मर गए, बचा लेते हो। और समाजवादी की भी भगवान करे सरकार आ जाए, बचा ले मुलायम को दो चार साल बाद, भगवान करे लंबे समय तक जिए। मैं प्रज्ञावाद की बात कर रहा हूँ, उसकी चिंता ही मत करिए, सबको जाना है, वो चाहे कोई भी हो, सत्ता में रह के, प्रधानमंत्री रह के, मुख्यमंत्री रह के, डॉक्टर अपने बाप को बचा ले, दुनिया भर को बताता है, तुम अपने बाप को बचा ले, अपने को बचा ले, अपने मेरार को बचा ले। ये प्रत्यक्ष बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़े आंख के सर्जन डॉक्टर अभी भी हमारे गुरुजी के बड़े परिचित, और उन्हें के दुलही आंधर, आंधर में उनकी पत्नी को नहीं दिखता था, और वो सबका ऑपरेशन करते, नो डाउट बहुत ऑपरेशन करते थे, सक्सेस ऑपरेशन करते थे, बहुतों की आंख बचाई है उन्होंने, लेकिन अब उनकी पत्नी जिनके साथ 24 घंटा रहते थे, तथा नहीं 24 घंटा रहते तो रात के तो रहते थे, तो देखते नहीं थे कि भैया आंधर है कि उसको दिख नहीं रहा, उनको ड्रॉप डाल देते। मैं बता रहा हूँ कि भाई साहब जिस दिन आपकी नेत्र ज्योति भगवान छीनने लगेगा, जिस दिन आपकी नेत्र की ज्योति क्षीण ही होने लगेगी, फिर ऐसी कोई दवा है नहीं कि आप आँख ही बदल दोगे। तो कहना सिर्फ यही प्रज्ञावाद की बात है, भगवान कृष्ण कहते हैं सिर्फ प्रज्ञा बुद्धि से तुम बोल आ रहे हो, ये मर गए फलाने बच गए धमाके, अजर कोई अजर अमर नहीं होगा। प्रज्ञावाद पर बहुत फोकस कर रहे हैं भगवान कृष्ण, देखना ये प्रज्ञावाद शब्द बहुत पारिभाषिक शब्द है जो भगवान कृष्ण बार बार करें, प्रज्ञावादांश भाषा से केवल तुम अपना बुद्धि लगा के बोल आ रहे हो, किसी को बचा पाओगे नहीं और तुम भी नहीं बचोगे। आप भाई आज राजा बनोगे, जीत लोगे, 10 साल बाद मर जाओगे, 20 साल बाद मर जाओगे, 50 साल बाद मर जाओगे, क्या हमेशा जिंदा रहोगे क्या? प्रज्ञावादांश भाषा से। अच्छा प्रज्ञावाद क्या है? बोले पंडितवाद प्रज्ञावाद ये है कि जो पंडित होता है, बुद्धिमान होता है, समझदार होता है, वो न गताशून पर और न अगताशून पर न अनुशोचन्ति, ये असली प्रज्ञावाद है। और तुम झूठ मूठ के प्रज्ञावाद की बात करते हो, बन रहे हो कि बुद्धिमान है, और तुम रो रहे हो कि हर हम भीष्म पितामह मर जाएंगे, भीष्म पितामह को रोक लोगे काबे, बोलो झूठा प्रज्ञावाद है। द्रोणाचार्य तुमको सिखाए हैं गुरु, तो कहे तुम बहुत बड़े शिष्य धनुर्धर हो तो द्रोणाचार्य को अजर अमर कर दोगे का, ये झूठा प्रज्ञावाद है तुम्हारा। प्रज्ञावादी तब तुम होते कि कौन मरा, कौन बचा है, कौन चला गया। अच्छा इसमें भी मेरा तेरा है, तुम्हारे भाई आप तब रोते हो जब आपके घर का कोई पर्सन मर गया, पर बगल के गांव में कोई मर गया जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं है, क्या आप आज यहाँ बैठे हम लोग गीता पढ़ रहे हैं, इसके देखिए किसी के घर में रुदन पीटन मचा होगा, किसी की अर्थी उठ रही होगी, किसी की अर्थी जल रही होगी, आप श्मशान घाट में जाइए कितने सारे जल रहे होते हैं, आप कितनों के लिए बैठ कर रो रहे होते हैं? क्यों? क्योंकि उनमें आपकी ममता नहीं, उनमें आप में मोह नहीं, और जिनके लिए आप रो रहे हो उनके प्रति मोह है,
उनके प्रति ममता है, तो तुम्हें किसी के जाने के कारण दुख नहीं हो रहा है। यदि सभी के जाने के कारण दुख हो रहा होता तो श्मशान घाट में सैकड़ों लाशें जल रही होती और तुम जिंदगी भर बैठे श्मशान घाट के किनारे, संस्कृत गंगा हम लोगों की, तो हम लोगों को तो कभी आंखों का आंसू सुखबर न करें। रोज दो तीन शब्द देखते राम नाम सत्य है सुनाई भी पड़ता है तो कई बार बैठ कर रोने लगते भैया। वहां ममता नहीं है, वहां मोह नहीं है, वहां अपनापन नहीं है, वहां स्वार्थ नहीं है, तो तुम क्यों रो रहे हो? स्वार्थ के लिए, मोह के लिए, ममता के लिए, अपनत्व के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भगवान ने उसी पर प्रहार किया, यही प्रज्ञावाद है। भाई मान लो भीष्म पितामह तुम्हारे बब्बा नहीं होते, फिर मर जाते तो थोड़ा तुम रोते हो? गुरु द्रोणाचार्य तुमको नहीं पढ़ा कैसे आपके गुरु नहीं मरे? आज आपके गुरु मरे तो चूंकि आपको पढ़ाए थे, आप बैठे थे, आप उनसे विद्या लिए थे, आपसे मोह था, आपका लगाव था, आपका स्वार्थ था, आपसे जुड़े हुए थे, इसलिए आप रो रहे। ये प्रज्ञावाद। बोले प्रज्ञावाद असली जो बुद्धिजीवी हैं, असली जो विवेकवान लोग हैं, असली जो प्रज्ञावान पुरुष हैं, वो ना तो गता शून पे, जिनका प्राण चला गया, जो मर गए, उन पर भी उनको बहुत कष्ट नहीं होता, सोचते हैं यार कल तो हमको भी जाना है। और जो अगता सुन, अभी जिनका प्राण नहीं गया है, जो जीवित हैं, तो वो कैसे खाएंगे? बहुत सारे लोग, बाबा लोग ऐसे परेशान होते हैं, हम चल जाए हमारे नाती क्या हुई, हमारे लड़का के तो सब जमीन जायदाद ले ले ही, परिवार वाले कुटुंबी परिवार सब हमारे लड़का का खा डे ही। अरे तुम्हारे लड़का परिवार का खा डाई, चिंता न करो। तो अगता सुन की बात मैं कर रहा हूँ, जिनके प्राण नहीं गए, अभी उनका नाती मरा नहीं, बाबा को चिंता है, बाबा मरने वाला है, लेकिन जो अगता सुन है, जिनका प्राण नहीं गया है, उनके नाती हैं, लड़कियां हैं, पतोहू हैं, उनके लिए झूठा टेंशन में है। दादू हम मर जा, कोई अभी बड़े बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठिए तो देखिए कैसे बात करते हैं, दादू हमारा भगवान ले चले, अपने चलने की बात करते हैं और अगता सुन का टेंशन लेते हैं। जिनका प्राण नहीं गया है, हम सोच रहे हैं कि एठनाती हो जाए, एठनाती हो जाए, मुंह देख ले तो जाए, अच्छा नाती हो गए तो कहें कि अब हम सोच रहे हैं न तो हुआ जाए तो फिर हम जाए। ये अगतासून का टेंशन है, गतासून जो मर गए उनका टेंशन, और जो अगतासून जिनका प्राण नहीं गया है उनका भी टेंशन बुढ़ापे में। तो बोले ये पंडिता न अनुशोचंती, यदि तुम प्रज्ञावादी होते, तुम बुद्धिमान होते, तुम समझदार होते, तो हर समझदार बुद्धिमान प्रज्ञावादी व्यक्ति ना तो जो आ रहा है भाई, जो जीवित है जैसा होगा खाएगा पिएगा, नहीं पिएगा उस पर भी कोई टेंशन नहीं, जो मर गया शरीर है चला गया भाई, उतने दिन के लिए आया था चला गया, आया चला गया, उसको आप रोक नहीं सकते और किसी को नहीं रोक सकते। हम ही लोग आज जा रहे हैं, गाड़ी पता नहीं कब किसका एक्सीडेंट हो जाए, कौन जानता है कब मर जाए। इतने सारा कोरोना आया, कितने सारे लोग बच गए, हम लोग अभी बचे, अगता सुन है, क्या पता शायद भगवान कुछ काम कराना हो, रोके हो नहीं, जब भी टिकट काट देगा चल देना पड़ेगा, कब भगवान पूछ के आएगा, क्या सर्व भूषण चल बो, पूछता थोड़े ना चलक है ना, कभी भी कोई भी लेके चल देगा भगवान। तो ना तो गता सुन पे और ना अगता सुन पे जो पंडित होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, ना अनुशोचंती, वो नहीं सोचते हैं, और तुम दोनों पर सोच रहे हो कि हा राम भीष्म पितामह अभी तो अगता सुन है, क्या टेंशन ले रहे हो, और कोई मर गया तो उन पर भी, जो मर गए ना उन पर भी, जिनका असुन माने प्राण, जिनके प्राण चले गए उन पर भी, जिनके प्राण नहीं गए जो जीवित, दोनों पर भी पंडिता न अनुशोचंती, कभी शोक नहीं करते, बुद्धिमान कभी शोक नहीं करते। यदि आप को लगता है कि तुम बुद्धिमान हो अर्जुन, तो इस युद्ध में क्या होगा, तुम जीतोगे कि हारोगे, कौन मरेगा, कौन जिएगा, कौन किसको मारेगा, कौन किससे मरेगा, इन सब की तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, अपने कर्तव्य कर्म को करना चाहिए, आगे जो होगा देखा जाए। जैसे मान लो कोई ये सोचे कि हारा हम मर जाएंगे तो गड़िया नहीं चलाएंगे, हम रोड में निकरवा नहीं करेंगे, बाहर जाएंगे तो जो है बिजली हमारे ऊपर गिर जाएगी, तो हम धूप में निकरवा नहीं करेंगे, ऐसा संभव नहीं। इसलिए भगवान ने कहा, फिर से श्लोक पढ़ना, और ये भगवान का बहुत सुंदर सा श्लोक है, हमेशा आपको याद रखना है। भगवान कहते हैं अर्जुन से कि अशोच्यानन्मशोचस्त्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे, प्रज्ञावादांश्च भाष गतासून गतासूंश्च गतासून गतासू नानुशोचन्ति पंडिता नानुशोचन्ति। तो प्रज्ञावादी होना यह अलग बात है
और प्रज्ञावान होना ये एकदम अलग बात है। बुद्धिमानों जैसी बात करना और बुद्धिमान होना ये दोनों अलग बातें हैं। बड़ी मजेदार बात कह रहा हूं आपसे, समाजवाद की बात करना और समाजवादी होना ये एकदम दोनों बातें अलग अलग हैं। बड़े ध्यान से सुनना, राष्ट्रवाद की बात करना और राष्ट्रवादी होकर के जीना ये एकदम दोनों अलग बात है। भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तुम प्रज्ञावादी हो, तुम प्रज्ञावादांश भाषसे प्रज्ञावादियों की तरह बात तो कर रहे हो, लेकिन जो प्रज्ञावान होते तो ना तो गता सुन पर और ना अगता सुन पर शोक ही नहीं करते। शोक करने वाला व्यक्ति प्रज्ञावान नहीं हो सकता। यानी तुम्हें इस शरीर का शोक नहीं करना चाहिए और शरीर का शोक करने वाला प्रज्ञावादी नहीं हो सकता। इसका मतलब तुम्हें आत्म तत्व का, ब्रह्म तत्व का, जगत का, सृष्टि का कुछ नॉलेज, कुछ ज्ञान नहीं है। इसलिए हे भगवान कृष्ण कह रहे हैं, हे अर्जुन प्रज्ञावादांश भाषसे। बहुत बार हम लोग लेक्चर देते हैं, बड़ा ऐसा करना चाहिए, सत्यवादी होना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, पढ़ा रहे हैं सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सर्वभूषण से पूछ लो कि तू सत्यम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात तुम पढ़ा रहे हो, पहले हे सर्वभूषण तुम्हें बताओ कितना सत्यम ब्रूयात और कितना प्रियम ब्रूयात, रोज झूठा ब्रूयात अझूठा ब्रूयात, अब पढ़ा रहे हो सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। तो देखा सत्य बोलना चाहिए, यह बोलना बताना पढ़ाना भाषण करना आसान है। प्रज्ञावादांश भाषा से समझा रहा हूं, प्रज्ञावानों जैसी बात करना आसान है। प्रज्ञावान का आचरण करना, प्रज्ञावान समझना, समझ पा रहे हैं? तो जैसे सच बोलना चाहिए, हमेशा झूठ नहीं बोलना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए, रोज उनका पैर छूना चाहिए, रोज उनका पैर दबाना चाहिए, बोल लो बोल लो, ये भाषण है, यही है भाषा से। ये क्या है? अब रोज सवेरे संजय मेहरारू से तुम झूठ बोलो, लड़कन से तुम झूठ बोलो, अपने महतारी बाप से तुम झूठ बोलो, ऐसा चरित्र होना चाहिए, वैसा चरित्र होना चाहिए, करेक्टर होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, कितना है? प्रज्ञावादांश भाषा से और पंडिता होना, इन दोनों पर कटाक्ष करने भगवान श्री कृष्ण की, ठीक बोल अच्छा लेते हो, बहुत अच्छे भाषण देने वाले लोग एक नंबर के लोफड़ होते हैं और कुछ न बोलने वाले लोग एक नंबर के अच्छे लोग होते हैं। मतलब कि केवल बोलने से आप किसी को जज नहीं कर सकते। जैसे आप ये कहें कि नहीं बड़ा अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बहुत अच्छे गीता का नॉलेज है, पढ़ करके किसी चीज को, ये प्रज्ञावादी हैं बस। हम लोग क्या हैं? बस प्रज्ञावादी हैं। बड़ी लंबी चौड़ी बात बोलना, भगवान कृष्ण ने ये कहा, भगवान कृष्ण ने वो कहा, अर्जुन का मोह दूर हो गया। अच्छा तुम बताओ, पहले यही पूछना सर्वज्ञवा, तोर मोह दूर भा, तोर मोह दूर भा कि नहीं? प्रज्ञावादांश भाषा से। तो हम सभी समाजवादियों से, भाजपाइयों से, बसपाइयों से, कांग्रेसियों से और सभी नाना चाचा दादा काका सबसे यही कहेंगे कि प्रज्ञावादांश भाषा से भाषण कर देना, किसी विषय पर बोल देना, किसी पर बहुत अच्छी लंबी चौड़ी टिप्पणी कर देना, अपने कमरे में बैठकर लंबी चौड़ी आदर्श की बातें कर लेना, ज्ञानवान जैसी बातें करना, ज्ञान की बातें करना, उपदेश देना, ये बहुत ही आसान है। और उन उपदेशों पर, उन ज्ञान की बातों को सचमुच समझ करके अपनी ज़िंदगी में उतारना, अपने चरित्र में उतारना, उनके अनुसार आचरण करना शायद बहुत कठिन है। भगवान कृष्ण इसी बात पर कहते हैं कि तुम ज्ञानियों जैसी बात तो करते हो लेकिन ज्ञानी नहीं हो। यदि ज्ञानी होते तो ज्ञानी लोगों की आखिरी में उन्होंने परिभाषा बताई कि जो ज्ञानी होगा, जो पंडित होगा, जो प्रज्ञावादी होगा, जो बुद्धिमान होगा, जो प्रतिभाशाली होगा, जो सचमुच जगत को, समाज को, सृष्टि को, आत्मा को, शरीर को समझेगा, वो गता सुन और अगता सुन पर ना अनुशोचन्ति पंडिता, ये उसकी पहली शर्त है। और तुम तो सोच रहे हो, तुम तो शोक कर रहे हो, तुम परेशान हो, तुम कष्ट में हो, इसलिए तुम प्रज्ञावान की तरह बोलना ये एकदम अलग बात है और फिर सचमुच ये करना एकदम अलग है। तो मित्रों आज के लिए इतना ही, हम फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।